नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एबी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है आपका विज्ञान के ऊपर। दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से कि अभी तक अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्रिप्शन करते ही उनको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन जैसे कि कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं ये मॉडल टेस्ट पेपर विज्ञान का। इसके पहले प्रश्न से ये है, कौन सा कथन असत्य है? कार्बन डाइऑक्साइड को जलाया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित नहीं किया जा सकता, कार्बन मोनोऑक्साइड जलने का प्रतिफल कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर प्रकाश संश्लेषण में कार्बन मोनोऑक्साइड आवश्यक नहीं है। तो कौन सा कथन असत्य है, देखने से ही पता चल रहा है दोस्तों। सही उत्तर क्या है? फर्स्ट पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को जलाया जा सकता है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, संवहनी मंडल में कौन अनुपस्थित रहते हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म्स? तो संवहनी मंडल में कौन अनुपस्थित रहते हैं? सही उत्तर क्या है? ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न, किस रासायनिक सूत्र का अस्तित्व नहीं है, मतलब कौन सा सूत्र है जो अस्तित्व में है ही नहीं? एनओ, बीएनसीएस या फिर KO3? तो किस रासायनिक सूत्र का अस्तित्व नहीं है? सही उत्तर क्या है? KO3। अगला प्रश्न, पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फेर्मी, एडोल गैस्टन, यूजेन फिक, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग या फिर बेनोइट फोर्नीरोन? तो किसने किया था पानी के टरबाइन का आविष्कार? सही उत्तर है आपका बेनोइट फोर्नीरोन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणुओं को जीवित और अजीवित दोनों माना गया है? मतलब इनमें से चार ऑप्शंस दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जीवाणु है जिसको जीवित और अजीवित दोनों माना गया है, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल या फिर वायरस? तो सही उत्तर क्या है? वायरस। अगला प्रश्न, 60 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 2, 5, 4 या फिर 3? तो 60 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी कितनी होगी? 5। अगला प्रश्न, लवण जो क्षार के समान कार्य करता है, NaOH, NaHSO4, NaHCO3 या फिर NaCl? तो ऐसा कौन सा लवण है जो क्षार के समान कार्य करता है? सही उत्तर क्या है आपका? NaHCO3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों के योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है? इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर प्रोपेन? तो सर्वाधिक योगदान कौन बनाता है, सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है ग्रीन हाउस गैसों में? तो सही उत्तर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, किसी लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? हस्तक्षेप, शोधन, तीव्रता या फिर विवर्तन? तो किसी लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? सही उत्तर है आपका तीव्रता। अगला प्रश्न, रसायन शास्त्र में साबुन का लवण क्या है? बसा एसिड, ग्लाइकोल, फास्फोरस या फिर अमोनियम कार्बोनेट? तो रसायन शास्त्र में साबुन का लवण क्या है? सही उत्तर क्या है? बसा एसिड। अगला प्रश्न, किस प्रकार का रोग जनक जल जनित बीमारी सार्स का कारण बनता है? वायरल, परजीवी, प्रोटोजुअन या फिर बैक्टीरियल? तो सही उत्तर क्या है? वायरल। अगला प्रश्न, श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? गैसों की श्यानता द्रव्यों से कम होती है, तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है, या फिर तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है, या फिर दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है? तो सही उत्तर क्या है आपका? डी पार्ट, दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है। अगला प्रश्न, कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधे को बढ़ने में मदद करती हैं? स्थाई, त्वचीय, मेरिस्टमेटिक या फिर प्रौढ़? तो सही उत्तर क्या है आपका? मेरिस्टमेटिक। अगला प्रश्न, किस प्रकार के बलों की एक ऐसी जोड़ी होती है जो परिमाण में बराबर विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी या श्रेणी से विस्थापित रहती है? ऑप्शंस हैं, बंद, युगल, जोड़ी या फिर दोनों? तो सही उत्तर क्या है? युगल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है, अग्न्याशय, बड़ी आंत, जिगर या फिर छोटी आंत? तो कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है, सही उत्तर क्या है? अग्न्याशय। अगला प्रश्न, प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती हैं जिसे पीईटी कहा जाता है, पीईटी का विस्तारित रूप क्या है? पॉलीथिलीन टेरीपथलेट, पॉलीथाइल टेरिलीन, पॉलीथिलीन ट्राइफॉस्फेट या फिर पॉलीथाइल टेट्राक्लोराइड। तो पीटी का विस्तारित रूप क्या है, सही उत्तर है आपका पॉलीथिलीन टेरीपथलेट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है, ऊर्जा का उपयोग करना, रक्ताल्पता होने से रोकना या फिर बैक्टीरिया का विनाश करना या फिर ऑक्सीजन का बहन करना? तो कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है, सही उत्तर क्या है आपका ऑक्सीजन का वहन करना। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है, पांडो, पोसिडोनिया, रिफ्लेशिया अर्नोल्डी या फिर हेलियथेंस एन्यूसस? तो दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है जो क्या नाम है, रिफ्लेशिया अर्नोल्डी। अगला प्रश्न, एफएम का आविष्कार किसने किया था, एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन बार्बर, एडविन बियर्ड बर्डिंग या फिर निकोलस कालन? तो एफएम का आविष्कार किसने किया था, सही उत्तर क्या है, एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न, सीमेंट के जमने की दर को कौन घटाता है, अल्मुनिया, सिलिका, जिप्सम या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड? तो सीमेंट के जमने की दर को कौन घटाता है, सही उत्तर है आपका जिप्सम। अगला प्रश्न, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, यूरिया का रासायनिक सूत्र, नीचे चार ऑप्शंस लिखे हैं आपके, उनमें से आपको देख के बताना है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, सही उत्तर है आपका डी पार्ट, NH2 का होल ट्वाइस, CO। अगला प्रश्न, अमरबेल किसका एक उदाहरण है, स्वपोषी, परजीवी, मृतपोषित या फिर होस्ट? आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर एक अमरबेल येलो कलर की रहती है, वो किसका एक उदाहरण है, तो सही उत्तर क्या है, परजीवी। अगला प्रश्न, सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार किसके संदर्भ में अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्रों का उत्पादन करने के लिए दो या दो से अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने से होता है? तो यह है प्रश्न और ऑप्शंस हैं आपके, हस्तक्षेप, शोधन, तीव्रता या फिर विवर्तन। तो सही उत्तर क्या है, हस्तक्षेप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से किससे फोटोस्टेट मशीन का ड्रम बना होता है, जो फोटोस्टेट मशीन होती है उसमें जो ड्रम लगा होता है वो किसका बना होता है, एल्युमिनियम का, सेलेनियम का, बेरियम का या फिर सीजियम का? तो किसका बना होता है, सही उत्तर क्या है, सेलेनियम का। अगला प्रश्न, जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है, स्वपोषी, विषमपोषक, सर्वाहारी या फिर विघटन करने वाला? तो जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें जाना जाता है स्वपोषी के रूप में। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।